नमस्कार, आप देख रहे हैं ई पेपर इंडिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के खास खबर पर। ओडिशा के कालीहांडी में नक्सलियों का कहर, 6 वाहनों को किया आग के हवाले। नक्सलियों ने बुधवार की रात ओडिशा के कालीहांडी जिले के भवानीपटना सदर थाना क्षेत्र के तालापिपली गांव में सड़क निर्माण कार्य में लगे 6 वाहनों को आग लगा दी। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक बुधवार रात 40 से ज्यादा नक्सली तालापिपली गांव पहुंचे और ठेकेदार से निर्माण कार्य के लिए वाहनों को आग लगाने को कहा। इसके बाद नक्सलियों ने अंततः वाहनों में आग लगा दी और मौके से फरार हो गए। वे मौके से भागने से पहले एक बैनर और कुछ पत्र भी छोड़ गए। घटना के बाद पुलिस ने इलाके में तलाशी अभियान तेज कर दिया है ताकि आगे कोई अप्रिय घटना ना हो। स्थानीय लोगों के अनुसार नक्सलियों ने बदला लेने के लिए वाहनों में आग लगा दी क्योंकि उनके समूह के एक सदस्य को कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया गया था। हालांकि पुलिस ने इसे आत्मसमर्पण का मामला बताया। आपको बता दें कि इससे पहले महाराष्ट्र में हत्याओं, आगजनी और मुठभेड़ के विभिन्न मामलों में कथित रूप से शामिल दो कट्टर नक्सलियों ने गढ़चिरौली पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। इन नक्सलियों पर 12 लाख रुपए का इनाम था। गढ़चिरौली पुलिस अध्यक्ष अंकित गोयल ने एक विज्ञप्ति में कहा कि नक्सली हिंसा से तंग आ चुके थे। उन्होंने कहा कि कई नक्सली राज्य सरकार की आत्मसमर्पण नीति की ओर आकर्षित हो रहे हैं। ई पेपर इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ई पेपर इंडिया।